नमस्ते दरभंगा, लगातार बिहार के छात्र छात्राएं कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो पढ़ाई कहाँ गई? जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम कॉलेज के द्वारा एमएसयू का दूसरे दिन भी लगातार आंदोलन जारी है, जहां पर छात्र छात्राओं के ट्यूशन फी माफ करने पर बनी सहमति। आपको बता दें कि नामांकन का पहले जहां लिया जा रहा था 450 रुपया, अब छात्र को देना होगा सिर्फ 150 रुपया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना के नेतृत्व में पीजी सेकेंड सेमेस्टर में नामांकन शुल्क माफ करने को लेकर के आज दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। इस बाबत में छात्रों ने कहा कि सरकार के द्वारा नियम पारित है कि एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं तथा स्नातक से लेकर के पीजी तक शिक्षा माफ है, बावजूद कॉलेज के द्वारा ऐसे वर्गों से छात्रों से नामांकन शुल्क लिया जा रहा है, जिसके विरोध में छात्र छात्राएं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के समर्थन में पिछले 2 दिनों से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आगे क्या कुछ इस घटनाक्रम पर विस्तार पूर्वक कहा गया। सर, किस तरह का फीस लेके आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या पूरा मामला है? सर, हम लोगों का जो है ट्यूशन भी हम लोगों का लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी हुआ और हम लोग के पास लेटर भी था इस चीज़ का कि यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, और महिलाओं को, लड़कियों को और SC ST लड़कों का फ़ी माफ़ था, तो इसके बावजूद अगर लिया जा रहा था तो लगभग 4-5 दिन से हम लोग समझिए लगभग 27 तारीख से हम लोगों का आंदोलन चलता रहा है, और हम लोग बार बार आके प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर में आंदोलन करते रहे हैं। इसके बावजूद मतलब कोई निष्कर्ष कल भी आए थे, नहीं निकल पाया, तो आज इसलिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग उग्र आंदोलन पे आ गए थे, और नतीजा ये निकला है कि ट्यूशन फी जो 300 रुपया लिया जाता था, वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो और SC ST कैटेगरी के पुरुष, उनका ट्यूशन फी 300 रुपया माफ़ कर दिया गया। इसके लिए यदि ये अभी हम लोगों को आवेदन हम लोग लिख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, वो आवेदन पास हो जाती है, पास हो जाने के बाद यदि वहाँ हम लोग काउंटर पे हम लोग जाएंगे, अगर वहाँ वो प्रक्रिया हो जाती है, संभव होती है, तो सही है। वैसे भी अभी प्रिंसिपल साहब से वार्ता हमारी हुई है, प्रिंसिपल साहब का नाम है, ये लोग आवेदन दे रहे हैं, आवेदन हम यूनिवर्सिटी को देंगे, यूनिवर्सिटी स्वीकृति देगी, इसके बाद ही माफ़ की जाएगी, नहीं तो माफ़ नहीं की जाएगी। अगर माफ़ नहीं की जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? बस हम लोग अभी फिलहाल हम लोग 1-2 दिन वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और हम लोग गुजारिश करेंगे प्रिंसिपल सर से और जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसे गुजारिश करेंगे कि हम लोगों का डेट जो 2 तारीख तक था, एडमिशन का जो 2 तारीख तक हम लोगों का डेट था, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और 6 से 10 हम लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो चूँकि हम लोग अभी आते जाते रहेंगे, उस बीच में हम लोग जो है एडमिशन फीस माफ़ नहीं होगी तो क्या करेंगे आप लोग? फीस यदि माफ़ नहीं होती है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, और वो हम लोगों को सर पता चल जाएगा, कल हम लोग आते हैं फिर हम लोगों को पता चलेंगे, और यहाँ से भी नहीं होती है फिर हम लोग यूनिवर्सिटी तक जाएंगे। सर, क्या नाम हुआ? शांति शर्मा। किस कॉलेज से हैं? जी CM कॉलेज से सर, सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी। क्या देखिए, हम लोग CM आर्ट्स कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी था। हम लोगों का मांग यही था कि PG सेकेंड सेमेस्टर की छात्राएं, उन लोगों से फी वसूली किया जा रहा था कॉलेज प्रशासन के द्वारा, जबकि सरकार के द्वारा एक निर्देश पारित है कि ग्रेजुएशन से लेकर PG तक का लड़कियों का शिक्षा माफ़ है, बावजूद कॉलेज प्रशासन अपने स्तर से पैसा का उगाही करते आया है। इससे पूर्व भी जब PG डिपार्टमेंट में पैसा लिया जा रहा था, हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसका नतीजा निकला कि PG डिपार्टमेंट में किसी भी छात्राओं से पैसा लेना बंद कर दिया गया। इसी के संदर्भ में आज हम लोग CM आर्ट्स कॉलेज में भी आए थे कि छात्राओं का फी माफ़ किया जाए। पिछले कई दिनों से लगभग 20-25 के करीब में छात्राएं यहां पर आकर रुकी हुई है, जो आंदोलन के चक्कर में ये अपना बंद कर दी, फी देने से रोक ली थी खुद को। आज इसी के संदर्भ में आज हम लोगों का प्रिंसिपल से बात हुआ है, और सकारात्मक पहल रहा है, 300 रुपया उनके द्वारा फी माफ़ किया गया है। सभी छात्राओं का फी 450 रुपया था, जिसमें 300 रुपया का माफ़ी किया गया, ट्यूशन फीस जो था उसको माफ़ किया गया। अभी माफ़ नहीं किया गया, आपके आवेदन के अनुसार यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा, वहाँ से क्या आदेश मिला उसके बाद माफ़ किया जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो कल हम लोग फिर से आकर यहाँ पर आंदोलन पर बैठ जाएंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। तुमके लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, वार्ता के लिए आपसे आए, क्या वार्ता हुई? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ, यहाँ कहावत है उर्दू में, सर मुड़ाते ही मुड़ाते ही ओला पड़ने लगे, क्योंकि मैं पिछले पंक्ति का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे लगा ये लोग तथा कथित ये जो MSI वाले सब हैं, कुछ कहीं ना कहीं से भेजे हुए प्रतिनिधि के रूप में या कुछ शिष्टमंडल के रूप में, दो शिष्टमंडल के रूप में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरे महाविद्यालय के भी नामांकित छात्र छात्राएं नहीं हैं, बाहर के हैं, और
विश्वविद्यालय में जब सभी तरह के फीस लेते हैं तो राजभवन से जो निर्देश है, जो आदेश है, उसके तहत इस महाविद्यालय में फीस स्ट्रक्चर है और लिया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि 300 रुपया आंतरिक स्रोत है तो वो उससे नहीं लिया जाए, तो हम पेपर कहाँ से खरीदेंगे, कार्बन कहाँ से खरीदेंगे, प्रिंट कहाँ से कराएंगे, और इनका जो है सेमेस्टर वाइज हम टेस्ट कहाँ से लेंगे। पर इसका फंड तो यूनिवर्सिटी से आती होगी? नहीं आती है, अभी तो 4 महीना हो गया वेतन नहीं मिला है, पानी पी पी करके हम लोग यूनिवर्सिटी का और सरकार का काम कर रहे हैं। आपने अभी आश्वासन भूखे रहेंगे तो बच्चे को कैसे जो है मैंने क्या कहते हैं सही शिक्षा दे पाएंगे। सर अभी आपने आश्वासन दिया 300 रुपया माफ होगी। हाँ, आवेदन देगा, मैं लिख कर भेज रहा हूँ प्रस्ताव विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय को जो आदेश होगा मैं करूंगा, मैं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ संविधान जो कहेगा वही मैं करूंगा। विश्वविद्यालय से आदेश आने के बाद 300 रुपया माफ होगी? हाँ जी, ये हम दोनों बात किए हैं, उनका हम जो है स्वीकार किए हैं उसके प्रस्ताव को, विश्वविद्यालय के जो है प्रशासनिक स्वीकृति लेंगे, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति हमको लेना पड़ेगा। आते ही ऐसे करना ये जो है कहीं कोई शोभा नहीं देता है, तब तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग सदियों से जो है हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। सर तो अपना परिचय बता दिया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर फूलो पासवान जी, ये मेरा 9वां या 10वां कॉलेज है, मिथिला यूनिवर्सिटी का ये 7वां कॉलेज है मेरे लिए, और तीन कॉलेज मैंने मगध यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है। यहाँ का प्रचार्ज आप है? यहाँ का प्रचार्ज कल से मैं, आज से मैं फुल फ्लेजेज हूँ, अभी मैं मारवाड़ी कॉलेज में अपना प्रभार देकर आया हूँ प्रोफेसर अरविंद कुमार झा जी को, आज से मैं यहाँ का हूँ, और यहाँ की जो है शैक्षणिक प्रशासनिक सुरक्षात्मक सभी व्यवस्था मुझे देखना है। थैंक यू। और आप लोगों को सभी सुदृढ़ करती हूँ, जो बच्चे अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो उनका आगे भविष्य क्या होगा, पढ़ने वाले पढ़ाई न करके ये ले आएंगे अपने नेतागिरी चमकाने के लिए, ये कैसे होगा।